एक बार बुद्ध एक गांव में जा रहे थे। एक आदमी उनके पास आया और उनसे पूछा, हर दिन आप कहते हैं कि हर कोई बुद्ध हो सकता है, निर्वाण पा सकता है, तो हर कोई बुद्ध क्यों नहीं हो जाता? हर कोई निर्वाण को क्यों नहीं पा लेता? बुद्ध ने उत्तर दिया, मेरे दोस्त, शाम को एक काम करो, गांव के सभी लोगों की सूची बनाओ और उनके नाम के आगे उनकी इच्छाओं को लिखो। उस आदमी ने वैसा ही किया। वह गांव में गया और उसने सभी से उनकी इच्छाओं के बारे में पूछा। उसने सभी लोगों की एक सूची बना ली। वह शाम को बुद्ध के पास लौटा और बुद्ध को वह सूची दिखाई। अब बुद्ध ने उससे पूछा, तो बताओ कि इनमें से कितने लोग हैं जो आत्मज्ञान की तलाश में हैं? उसने सूची देखी तो वह आदमी हैरान रह गया, क्योंकि एक भी व्यक्ति ने यह नहीं लिखा था कि वह बुद्ध होना चाहता है या निर्वाण पाना चाहता है। फिर बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए सक्षम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण पाना चाहता है। वह आदमी समझ गया कि हर आदमी आत्मज्ञान के लिए सक्षम है, लेकिन जब तक कि मनुष्य प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह आत्मज्ञान को नहीं पा सकता। वह समझ गया कि अगर लोग दिल से सत्य की खोज करते हैं, तो पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जो उन्हें रोक सके। तो ये कहानी है भगवान बुद्ध की। धन्यवाद।